Hello guys, I am your instructor Suraj Kumar Tiwari from India, and I gonna teach you about S JavaScript. It means to say JavaScript is embedded in HTML and learn a program about for loop. You know, for loop is used in we used in for loop in C language or C++ or Java or Python. So how can we use in JavaScript? How can we use JavaScript for loop in JavaScript? So let's start this video. आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हम कैसे ये एम्बेड करेंगे. तो यहाँ सबसे पहले लिखा मैंने HTML, then head, then title, और then for loop को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. तो टाइटल में मैं अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ, कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन. ओके, और यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर देंगे हम. क्लियर है. और यहाँ पे हेड को क्लोज करेंगे. यहाँ बॉडी टैग हम ले लेंगे, और बॉडी टैग लेने के बाद यहाँ पे लगाएंगे स्क्रिप्ट टैग लेंगे, फिर लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस. ओके, स्क्रिप्ट टैग ले लिया हमने, और यहाँ पे लगा दीजिए कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट को लगाने के बाद यहाँ क्या करना है, ठीक है? तो फॉर लूप लगाते हैं. फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, I is less than or equal to 5. मैंने less than equal to लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा आप. I plus plus कर दिया हमने. इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें आना है नीचे, ठीक है? और ये curly bracket जो हमने बनाया है, ये for loop लगाते समय बनाना है, ये यहाँ पे नहीं बनाना है. तो ये बात ध्यान रखेंगे आप, और यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे लगाते हैं हम document dot write, और वेरिएबल कौन सा है हमारा, i. तो यहाँ i लिखेंगे और इसको टर्मिनेट कर देंगे. टर्मिनेट करने के बाद ये कर्ली ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे, देन स्क्रिप्ट को भी. और बॉडी और HTML, ओके, सारा कुछ हमने क्लोज कर दिया. क्लोज करने के बाद नीचे आएंगे तो यहां पे इसको करना होगा सेव. तो यहां से इसको कर लेते हैं सेव, ठीक है? यहाँ पे मैं डालता हूँ yy.html. .html लगाना जरूरी है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ html फाइल. सो यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट html इज नेसेसरी फॉर एनी html और जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम. ओके, यहाँ से रन करवाएंगे. यहाँ पे चलते हैं जहाँ पे हमने सेव किया, yy के नाम से हमने सेव किया. तो यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 5 ये प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है? और ये 0 से लेके 5 तक प्रिंट होकर आ रहा है. एक काम करते हैं इस फॉर लूप में जो कि हमने लगाया है. अभी आप देख सकते हैं ये फॉर लूप, ये लेस देन और इक्वल टू किया है मैंने. तो अभी अगर मैं ये जो लिखा है ना, लेस देन और इक्वल टू मैं हटा दूं तो क्या होगा? इसको मैं सेव करता हूं, और यहां पे हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करवाते हैं. यहां 0 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है. इसको दोबारा से मैंने रन करा, ये देखिए यह 4 तक ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है? तो आई होप की बात समझ में आ रही होगी कि ये लूप कैसे चल रहा है. फॉर आई इज इक्वल टू 0, पहले आई की वैल्यू 0 है. I is less than 5 अगर हम लिखते हैं कि I की वैल्यू लेस देन रहेगी 5 से, तो पहले 0 होगा, फिर 0 है तो लेस देन 5 है, ठीक है? तो लूप आगे बढ़ेगा, यानी I की वैल्यू में 1 प्लस हो जाएगा, यानी I की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 1 इज लेस देन 5 हो जाएगा, यानी कि I की वैल्यू 2 है तो भी 5 से कम है, फिर 1 प्लस होगा, ठीक है? इस तरह से करके ये लूप चलेगा. तो उम्मीद है कि फॉर लूप की ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.